वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दासत नाम सिंह राइया, जिला बठिंडा दा रहण वाला हाँ। मैं आप सब संगतां दी जानकारी लई दसना चाहुंदा हाँ कि मैनू वख वख केसां दे विच, झूठे केसां दे विच उलझाया गया, जिस कारण मैं 4 साल दे करीब बठिंडा जेल दे विच बंद रहा। सो जेल दे विच, जेल तो बाहर आने तो बाद मेरे जिहड़े हालात सी वो बहुत ही मंदे हो गए सी। मैं अपना काम कार करके अपना गुजारा करता रहा, लेकिन मेरे मकान के हालात से जोड़े वह सत्त चोन लग जाती सी, जो भी बारिश पैंती सी। मैनू समझ नहीं सी आता कि मैं की करा। मैं इस तो बाद मैं सिख रिलीफ संस्था के मुखी भाई बलबीर सिंह जी बारे सुनया कि वह एक सिख रिलीफ नाँ की संस्था चला रहे हैं, तो मैं उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने बेनती की कि इदा इदा करके मेरे मकान की हालत है जी बहुत मंदी हो चुकी है, सत्त चोन लग जाती है जो बारिश आती है, मेरा समान से जोड़ा वो सारा खराब हो जाता। सो उन्होंने मैनू कहा कि तुसी अपना जोड़ा सत्त आनू बदल लो। उन्होंने मैनू ये 1,00,000 रुपए की सहायता भेज दी, तो मैं अपनी जी सत्त सी वो उधेड़ ली। जो सत्त उधेड़ी तो वो जंधा से वो लेंटर पैन योग नहीं सी। सो मैं उन्होंने दोबारे फिर बेनती की कि भी इस कंधा तो लेंटर नहीं पै सकता, क्योंकि ये कंधा की हालत भी बहुत मंदी हो चुकी है, पुरानिया कंधा सन, भी नवे सिरों नीहां तो भर के ही मकान बनाना पेगा। सो मैनू उन्होंने हौसला दिता कि कोई गल नहीं, जिदा तुसी चाहुंदे हो नवे सिरों स्टार्ट कर लो, ते असी तुहाडे नाल आ। बाकी मैं संगत नूं दसना चाहुंदा कि साडे परिवार दी ते मेरी कोई खुशी दा टिकाणा नहीं, क्योंकि कच्चे घर तो पक्के मकान दे विच असी बहन जोगे हो गए हैं। पिंड दे विच करीब मेरा ही एक घर सी जो बहुत पुराना हो चुका सी ते कच्चा सी। सो मेरी खुशी का कोई टिकाणा नहीं। सिख रिलीफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ समुची टीम का, जिन्होंने इस समय मेरा साथ दिता ते मैनू अज पक्के मकान का मालक बना दिता। मैं देश विदेश दियां संगतां का भी धन्यवाद करता हाँ जिन्हां दे सहयोग नाल ये मकान की उसारी का जिहड़ा कार्ज आ वो पूरा हो चुका है। सो मैं फिर दसना चाहुंदा कि पिंड दे विच मेरा ही मकान सी जो इन्ना नीवा सी ते इन्ना पुराना सी ते इन्ना खालसा हालत दे विच सी। मैं सिख रिलीफ संस्था दे सहयोग नाल ते आप सब संगतां दे सहयोग नाल अज पक्के मकान दा मालक बन गया हाँ। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ सिख रिलीफ संस्था दा, जिन्हां ने मैनू इस मुश्किल समय दे विच मेरा साथ दिता। मैं संगत दी जानकारी लई दसना चाहुंदा कि जिहड़ी सिख रिलीफ संस्था है वो भारत के विच वख वख जेलां दे विच बंद बंदी सिंघां दी कानूनी तरीके नाल पैरवाई, ते जो इस संस्था दे वकील हन वो जेलां दे विच बंदी सिंघां दी मुलाकातां तक भी करदे हन, ते उहनां दे परिवारां दी देखभाल भी करदे है। सिख रिलीफ जे परिवार बंदी सिंघ दे परिवार दे विच कोई बीमारी आ गई जां किसे वी तरह की कोई मुश्किल आ गई इस तरह, तां उहदा इलाज भी करवाउंदे है। जिद्दां कि कई इत्थों तक कि कई बंदी सिंघ आ जिहड़े वख वख जेलां दे विच पढ़ भी रहे है। होर समाज भलाई दे कार्ज हो गए जिवें कि पौधे लगाउणे, वातावरण बचाओ मुहिम दे अधीन जे भूचाल आया जां हड़ आया उत्थे भी अगे हो के सिख रिलीफ है जिहड़ी वह कम करती है। सो मैं देश विदेश दीआं संगतां नूं निम्रता सहित बेनती करांगा कि सिख रिलीफ का वध तों वध सहयोग किया जाए, ताकि यह होर भी वधिया तरीके नाल जिहड़ा कार्ज आ कर सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।